आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने बिजनौर में वर्चुअल रैली को किया संबोधित। पीएम ने अपनी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से विरोधियों पर साधा निशाना। राज्यसभा में लता जी को दी गई श्रद्धांजलि। लता जी को दी गई श्रद्धांजलि, एक घंटे के लिए स्थगित हुआ कार्यक्रम। भारत रत्न लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी मुखाग्नि। केंद्र सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम, सभी केंद्रीय कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के निर्देश। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, धर्म संसद में दिए गए बयान हिंदुत्व नहीं। लता जी ने डूमपुर जिला अस्पताल में 25 लाख की लागत से एक हॉल बनवाया था, निधन पर याद कर भावुक हुए लोग। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, कार ट्रक की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ देश में मिले एक और हथियार, डीसीजीआई ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को दी मंजूरी। पीएम मोदी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई चादर। बिहार में आज खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, सरकार ने कई पाबंदियों में दी राहत। चिराग पासवान 15 फरवरी को करेंगे राजभवन मार्च, कहा कभी कभी भी गिर सकती है बिहार सरकार। कांग्रेस पीएम के चेहरे, सीएम चेहरे का मसला हल, लेकिन नवजोत सिंह सिंधु के रुख पर नजर, चन्नी की चुनौती बढ़ी। कांग्रेस में फिर जा सकते हैं अदिति सिंह के पति अंगद, रखी 5 करोड़ की शर्त। राहुल की वर्चुअल रैली में देखी सिद्धू की नाराजगी, बोले अध्यक्ष रहा तो विधायक क्या, उनके बेटे को चेयरमैन नहीं बनने दूंगा। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का आरोप, परमिशन आयोग के रिपोर्ट पछतापुर, अभी भी जम्मू व कश्मीर में असंतुलन बरकरार। गोरखपुर में बड़ा सड़क हादसा, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बस से टकराई, 3 की मौत, 4 घायल। अरविंद केजरीवाल ने वोटरों से की अपील, यूपी में दे एक और मौका, दिल्ली जैसा करेंगे काम। बलिया में बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह बोले, टिकट कटा तो क्या हुआ, लड़ूंगा चुनाव। खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन में भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी, 4,40 करोड़ में बिछेगी 240 किलोमीटर रेल लाइन।
सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार, कारोबारी समेत 3 जिंदा जले। अलीगढ़ में सीएम की जीत के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम महिलाओं ने किया हवन। यूपी में सियासी हलचल तेज, पत्रकारों ने फिर मिली धमकी, विधानसभा तिलोई का मामला। और यह कई पीढ़ी तक याद आएंगी, लता दीदी एक वाइट दे दी श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर 2 मिनट का रखा मौन। महोबा में चुनाव जनसभा को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित, सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री। मैनपुरी में डिप्टी सीएम के ट्वीट पर गरमाई सियासत, पूर्व सपा सांसद तेज प्रताप यादव ने किया पलटवार। बस्ती में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सक्रिय, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। देवरिया प्रत्याशी परवेज आलम का बयान, जनता देख रही है विकास का राह। फरुखाबाद में टीम नोटा का किया गया गठन, भाजपा प्रत्याशी के समर्थक हुए शामिल। फतेहपुर में महिला पर हुई फायरिंग, महिला को भेजा गया अस्पताल। फतेहपुर में खेत की रखवाली कर रहे किसान की निर्मम हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस, मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव का मामला आया सामने। अमेठी में गरमाया सियासी पारा, वर्तमान विधायक गरिमा सिंह का कटा टिकट, भाजपा ने संजय सिंह को बनाया उम्मीदवार। बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह हुए बागी, भाजपा ने बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ल को दिया टिकट, सुरेंद्र नाथ सिंह ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। चंदौली में भाजपा ने की प्रत्याशियों की घोषणा, 2 विधानसभा से बीजेपी ने उतारे अपने उम्मीदवार। फतेहपुर में 2 पक्षों में हुए हिंसक झड़प, एक पक्ष की 4 महिलाओं ने की मारपीट, दूसरे पक्ष की महिला से जमकर हुई हाथापाई। रायबरेली में चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अभियान में हूटर लगी गाड़ियों का किया चालान। सचिन पायलट को पूरा भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस, भाजपा की तो आदत फ्रूट डालो राज करो। गोरखपुर में फिर कोल्ड डे जैसी स्थिति, औसत से 7 डिग्री कम रहा अधिकतम तापमान। पीलीभीत में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, तेज हुई तैयारियां। भाजपा ने 9 विधायकों के टिकट काटे, एक मंत्री के क्षेत्र में किया परिवर्तन। दुबई में वसंत उत्सव की धूम, लोग
प्रिय गायिका मालिनी अवस्थी के शुरू से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिखेरे रौनक। लता मंगेशकर स्वर कोकिला को याद कर शोक में डूबा गोरखपुर, शहरवासियों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर बनारस के अरमान रिजवान को मानती थी अपना बेटा, पहनती थी उनकी बनी साड़ियां। चुनाव आयोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करेगा मतदान प्रक्रिया की निगरानी, निगरानी की करेगी खुफिया जांच एजेंसी। वाराणसी में एसटीएफ और मुंबई की संयुक्त पुलिस की कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गिरोह बदमाश का किया गिरफ्तार। बदल जाएगी गोरखपुर की सूरत, शहर को मिलने जा रहा है एक और रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा, उत्तरकाशी सहसपुर में की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा वोट। गढ़वाल भाजपा प्रत्याशी को मिला जनता का साथ, जगह जगह डॉक्टर धन सिंह रावत का हुआ भव्य स्वागत। हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, जनसंपर्क में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। कलियर में भाजपा प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, जनता से मांगा आशीर्वाद। अक्षय कुमार बनेंगे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पहनाई ब्राह्म कमल की टोपी। अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा सरकार की सिर्फ हुआ भ्रष्टाचार, पार्टी का एजेंडा भी रखा सामने। कांग्रेस ने अंतिम हफ्ते में प्रचार में झोंके स्टार प्रचारक, देवभूमि में गरजेंगे सचिन पायलट समेत कई दिग्गज। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, बोले आजकल कांग्रेस ने कुछ नेता गंगा आरती का कर रहे ढोंग। पार्किंग में खड़े वाहनों पर महिला दस्ता करेगा कार्रवाई, महिला कांस्टेबल को चालान ड्यूटी पर किया जाएगा तैनात। भारी बारिश व बर्फबारी के कारण दो दिन में बंद नैनीताल काला ढूंगी मार्ग खुला। उत्तराखंड में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव पर जानलेवा हमला, कांग्रेस मुख्यालय के पास कार ने मारी टक्कर। नैनीताल में गैस सिलेंडर लदा ट्रक 200 फीट गहरी खाई में गिरा, दो की हालत गंभीर। हरीश रावत अपनी सीट लालकुआ के खुद स्टार प्रचारक, भाजपा ने लाई गाइडलाइन। बजट की कमी ने फिर बढ़ाई नैनीताल पालिका की मुश्किलें, दो माह से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर हुआ भूस्खलन, यात्रियों से भरी कार पर बरसने लगे पत्थर।
अफगानिस्तान में कैंसर का प्रकोप, सालाना 16 से 20 हजार लोगों की इस घातक बीमारी से जा रही है जान। पाकिस्तान ने मनाया कश्मीर एकजुटता दिवस, पीओके वालों ने आयोजित किया ब्रांड डे। फ्लोरिडा में पहली बार एनएफटी के जरिए होगा आलिशान प्रॉपर्टी की नीलामी। इमरान खान ने चीन में उठाया कश्मीर मुद्दा, शी जिनपिंग ने दिया ये जवाब। काबुल में लादेन के बेटे ने की तालिबान से मुलाकात, यूएनएससी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कश्मीर पर फिर सामने आई चीन पाक की जुगलबंदी, भारत ने कई विरोध के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे दोनों देश। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय के कब्रों को फिर बनाया गया निशाना, 45 कब्रों को किया पवित्र। सैनिकों की मौत से गुस्से में पाकिस्तान, तालिबान ने कहा दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा हमला। प्रोटेस्ट से ओटावा के हालत हुए बेकाबू, मेयर ने की आपातकालीन लगाने की घोषणा, कहा चाहिए मदद। मलेशिया में बरपा कोरोना का कहर, 10,079 नए कोविड-19 मामले आए सामने, 9 की मौत। आरबीआई एमपीसी की बैठक होगी शुरू, 10 फरवरी को होगी मौद्रिक नीति की घोषणा। जीएसटी के दायरे में आ सकता है विमान ईंधन, निर्मला सीतारमन बोली परिषद की अगली बैठक में होगी चर्चा। वित्त मंत्री ने कहा सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा भारत, तो बजट अगले 25 वर्षों पर ब्लूप्रिंट। मूल्यांकन में जरूरी मिलेगी अपनी बात रखने का मौका। सेंसेक्स 400 पॉइंट से गिरकर 58,200 पर, टाटा स्टील और एसबीआई का शेयर 3-3% बढ़े। एलआईसी दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी बीमा कंपनी, लेकिन रिटर्न के मामले में नंबर वन। अब घर में लगवा सकेंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट, 6,000 रुपए में मिलेगी सब्सिडी, दिल्ली में शुरू हुई सर्विस। क्रेडिट कार्ड पर अब मिलेगा ज्यादा कैशबैक, एचडीएफसी और एसबीआई का नया प्लान। हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनेंस कराना हुआ आसान, कंपनी ने एक्सिस बैंक से मिलाया हाथ। विदेशी निवेशकों का भरोसा घटा, फरवरी में अब तक भारतीय बाजार से निकाले 6,834 करोड़ रुपए। ऐतिहासिक 1,000वें वनडे मैच में भारत को मिली जीत, रोहित व चहल का दमदार प्रदर्शन।
रोहित शर्मा का नया रिकॉर्ड वनडे में ओपनर के तौर पर रन बनाने के मामले में सहवाग से निकले आगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया पर स्वदेश लौटने पर बीसीसीआई करेगा सम्मान। लता मंगेशकर को टीम इंडिया ने दी श्रद्धांजलि, काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी। पूर्व भारतीय दिग्गज ने किया विराट कोहली की कमजोरी का खुलासा, बताया किस गेंद पर हो रहे आउट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कोच के लिए रवि शास्त्री के नाम पर विचार करना चाहिए, सुनील गावस्कर ने दिया बयान। ऋषभ पंत नॉन स्ट्राइक छोर पर अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट, भारी मन से लौटे पवेलियन। अफ्रीकी खिलाड़ी ने तोड़ा धवन का रिकॉर्ड, भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सबसे कम ओपनिंग पार्टनरशिप। क्रिकेट पर लता जी के एहसान, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम को इनामी राशि मिल सके, इसलिए स्टेडियम में प्रोग्राम कर जुटाए थे 20 लाख। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाल मचाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने दिया बड़ा बयान। लता मंगेशकर को दिलीप कुमार मानते थे, अपनी छोटी बहन सायरा बानो बोली, मेरे लिए एक बुरा दिन है। लता जी के निधन पर पाकिस्तान में भी शोक, पीएम इमरान ने कहा दुनिया में एक महानायक गायक खो दिया। ममता बनर्जी ने भी दिग्गज गायिका के लिए अलग अलग तरह से शोक व्यक्त करने का दिया फैसला। रश्मि देसाई तक टीवी जगत ने दी सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। अब सबको प्रणाम करती हूं, आज्ञा लेती हूं, अनुपम खेर ने शेयर की लता मंगेशकर का आखिरी संदेश। लता जी के पैर छूकर शाहरुख खान ने दी श्रद्धांजलि, पढ़ी दुआ, लोगों ने रोते हुए उनके गीत गुनगुनाए। दीदी को लेकर दीवानगी, इंदौर के शख्स के पास है स्वर कोकिला के गानों की लाइब्रेरी, उनके पिता के नाम बना दिया संग्रहालय। हर जनरेशन की पहली पसंद तनुजा काजोल, बबीता, करिश्मा करीना से लेकर डिंपल ट्विंकल तक लता ने मां बेटी की अलग अलग पीढ़ी में गाए गाने। लता ताई को दिया गया था धीमी जहर, 3 महीने तक बिस्तर पर रही, जहर देने वाले का भी पता चला नाम। सम्मान के शिखर पर स्वर कोकिला, 51 साल से 75 से ज्यादा अवार्ड, 1979 में दादा साहब फाल्के और 2001 में मिला भारत रत्न। दुनिया की 100 बड़ी खबरें, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।